इसका जो सक्शन है वो काफी ज्यादा तेज है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया होगा कि आप कार को कितनी भी साफ़ रखने की कोशिश कर लो, बट जब कार डेली यूज़ होती है तो उसके अंदर वेस्ट और डस्ट आ जाना एक आम बात है। बट डस्ट और वेस्ट को निकालने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हम कार को सर्विस कराने के लिए लेकर जाएँ जहाँ पर हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, या फिर एक दूसरा ऑप्शन रहता है कि हम कार को खुद ही साफ़ करें, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और साथ ही उतनी अच्छी तरीके से कार साफ़ नहीं हो पाती। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए एक ऐसी डिवाइस जो कि पोर्टेबल हो और हैंडी हो, जिसे हम कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकें अपनी कार को साफ करने के लिए। इसलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा पोर्टेबल कार वैक्यूम क्लीनर जो कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस प्रोडक्ट का इन डेप्थ रिव्यू और साथ ही आप लोगों को लाइव टेस्टिंग भी कर दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है और कितना ये वर्थ है और आपको ये क्यों बाय करना चाहिए, वो इन डेप्थ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, और साथ ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को समझ आ पाए कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितना अर्थ रखता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ अगारो का पावरफुल कार वैक्यूम क्लीनर, जिसका मॉडल है CV1077, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा हैंडी एंड कंफर्टेबल है एंड इजी टू कैरी है। आप इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इसके साथ इस बॉक्स पैकेजिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। सो सबसे पहले आप लोगों को ये पूरा जो वैक्यूम क्लीनर है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जिसके साथ आपको इतनी ज़्यादा जो लॉन्ग वायर है वो आपको मिल जाती है। ये डीसी के लिए है, यानी कि आप इसको कार के अंदर अपना जो अडैप्टर सॉकेट होता है वहाँ पर इसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये वायर इतनी ज़्यादा लॉन्ग है कि आप कार में जब इसको कनेक्ट करेंगे तो आप ईज़िली बूट तक भी लेकर जा सकते हैं, ईज़िली अपनी जो डिग्गी है उसको भी क्लीन कर सकते हैं। वहीं इस वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको और भी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये बबल रैप के साथ आता है वैक्यूम क्लीनर, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के अंदर डिवाइस को हार्म ना हो। उसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है ये एक्सटेंशन पाइप, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही आप इसको अटैच कर सकते हैं और जो एरियाज़ कॉर्नर्स वगैरह हैं जहाँ पर कि वैक्यूम क्लीनर नहीं जा सकता, तो वहाँ पर इस एक्सटेंशन की मदद से वो जो कॉर्नर्स हैं उनको भी आप इजीली क्लीन अप कर पाएंगे। वहीं जो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को मिलती है वो है ये वारंटी कार्ड, जिसके अंदर आपको 6 मंथ्स की जो वारंटी है वो अगारो ऑफ़र कर रहा है। कुछ इस तरीके से आपको वारंटी कार्ड मिलता है। नेक्स्ट चीज़ आपको मिलती है मैनुअल कारों का, कार वैक्यूम क्लीनर का पूरा जी जो कि यूज़र मैनुअल है, पूरी गाइड है, वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। इस वारंटी कार्ड की वजह से आपको जो 6 मंथ्स की एक्सटेंशन वारंटी है वो मिलती है, बाकी जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको 1 ईयर की यहाँ पर मिलती है। अगर आप इस वारंटी कार्ड के साथ इसको रजिस्टर करेंगे तो आपको 6 मंथ्स की एडिशनल वारंटी मिल जाती है। नेक्स्ट चीज़ आपको मिलती है ब्रश, जिससे कि आप इस वैक्यूम क्लीनर को अंदर से ईजिली क्लीन अप कर पाएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक और ब्रश मिल जाता है, जिससे कि आप मैट्स वगैरह के अंदर जो डस्ट वगैरह है उससे आप इजीली इसको ब्रश अप कर वहाँ से भी जो डस्ट है उसको सीधा वैक्यूम करके सक्शन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक और यहाँ पर एक्सटेंशन जो है पाइप मिल जाता है, ये जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि जो कॉर्नर्स वगैरह हैं, जैसे कि जो हमारे हैंड ब्रेक वगैरह के पास एरियाज़ होते हैं जहाँ पर कि पाइप वगैरह नहीं जा सकता काफ़ी मोटा होने की वजह से, तो वहाँ पर ये पतला स्लीक जो एक्सटेंशन पाइप है वो इजीली जा सकता है, जहाँ पर आपके एरियाज़ हैं वो पूरी तरीके से क्लीन अप हो पाएंगे। उसके बाद आपको एक मिलता है पाउच, जो कि कैरी बैग आप इसे कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसके अंदर आप इस वैक्यूम क्लीनर को रखकर कहीं पर भी इजी कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी कभी भी आप इसको लेकर जा सकते हैं और अपनी जो कार है उसको आप क्लीन अप कर पाते हैं। सो ये तो हो गई पूरे बॉक्स कंटेंट की बात कि आपको इसके बॉक्स पैकेजिंग के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। सो बात कर लेते हैं इस वैक्यूम क्लीनर के लुक्स के बारे में।
लुक्स की अगर हम बात करें तो आपको ये पूरा ब्लैक मैटन फिनिश के साथ मिलता है, एंड काफ़ी जगह आपको इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपको ऑरेंज कलर के अंदर मिलेंगे, जैसे कि ऑन ऑफ स्विच है ये आपको ऑरेंज कलर में मिलेगा, ये जो बटन है जिससे कि आप ये पूरा आगे का जो फेस है उसको निकाल सकते हैं ये आपको ऑरेंज कलर के अंदर मिल जाता है। साथ ही इसके अंदर आपको एक फ़िल्टर भी दिया हुआ है जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाती है 4.5 मीटर्स की जो लॉन्ग वायर है वो आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। सो बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। ये कार वैक्यूम क्लीनर आता है 106 वॉट्स की कॉपर वाइंडेड मोटर के साथ जो प्रोड्यूस करता है पावरफुल 4.5 kPa सक्शन पावर जो हर तरीके के डस्ट निकाल देता है। स्ट्रॉन्ग कॉपर वाइंडेड मोटर होने की वजह से साथ ही पावरफुल सक्शन कैपेसिटी होने की वजह से आपकी जो कार है पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है, चाहे वो इसके एजिस हो कॉर्नर्स हो हर तरीके की जो डस्ट है वो ये मोटर आराम से निकाल लेती है। इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर आता है स्टील फिल्टर जो कि 99.99% जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको फिल्टर करता है, साथ ही जो डस्ट है उसको बाहर आने से भी प्रिवेंट करता है। सो ये तो हो गई इसकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसके लुक्स के बाद बॉक्स कंटेंट के बाद। अब फटाफट से इस वैक्यूम क्लीनर को मैं आप लोगों को यूज़ कर भी दिखा देता हूँ, लाइव डेमो दिखाऊंगा जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि कितना पावरफुल ये कार वैक्यूम क्लीनर है और आपको क्यों ये बाय करना चाहिए। इस कार वैक्यूम क्लीनर को कनेक्ट करने के लिए आपको जो वायर है वो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपका कार एडाप्टर सॉकेट होता है इधर आपको जस्ट इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। आपको जिस कार का इग्निशन है वो ऑन करना है। आप इसको नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं बट हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कार को स्टार्ट कर यूज़ कीजिए जिससे कि आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन ना हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अब मैं आपको इसके लाइव टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे ये जो कार वैक्यूम क्लीनर है काम करता है और कितना ये जो डस्ट है उसको सक कर पाता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो इस साइड कितने ज़्यादा जो डस्ट वगैरह है, कुछ रिबन भी यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर पड़े हुए हैं। सो अब मैं इस कार वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करने वाला हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा जस्टिस आएगा। सो तो इसका जो सक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको यूज़ करने के बाद यहाँ पर अब कोई भी आपको जो डस्ट पार्टिकल है वो अंदर की साइड देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। पूरा जो है पूरा क्लीनअप हो चुका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो जितने भी रिबन्स वगैरह थे वो यहाँ अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर जो फिल्टर है इसके पास पूरे जो डस्ट है वो अब जमा हो चुकी है। सो इधर तो मैंने पूरा क्लीनअप कर दिया है और ये जो एरिया है मैं पूरा आपको क्लीनअप कर दिखा देता हूँ। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपको इस तरीके की जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कॉर्ड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे इस साइड थोड़ी सी ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रह गया है तो वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो भी पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। तो अब आप यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हो कि जो पूरा है एरिया वो पूरा ये क्लीन हो चुका है, कोई भी जो डस्ट पार्टिकल है वो यहाँ पर नहीं बचा हुआ। सेम अब मैं आपको यहाँ पर भी नीचे कर दिखाऊंगा पूरा, आप मैट देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। सो इसके लिए जस्ट मुझे इस रॉड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्टली जो है मैं इसको यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी घास वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई थी ये पूरा एरिया जो है वो क्लीन हो चुका है। अब आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हो ये एरिया और इस एरिया में कितने ज़्यादा डिफरेंस है, जितनी यहाँ पर डस्ट थी ग्रास थी घास वगैरह पड़ी हुई थी वो सारी ही इसके अंदर यहाँ पर आ चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इवन जो डस्ट है वो भी आप यहाँ पर नीचे की साइड देख सकते हैं, डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ पड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ कि ये वाले जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ये कॉर्नर्स हैं इनको आप कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको एक ब्रश की हेल्प से दिखाता हूँ।
जस्ट आपको क्या करना है, ये वाले जो ब्रश मैंने आप लोगों को दिखाया था इसकी हेल्प से आपको यहाँ पर अटैच करना है, और अटैच करने के बाद आपने जो भी एरिया आपने साफ करना है आप उसको यहाँ पर इस ब्रश की हेल्प से यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो चिपकी हुई जो मिट्टी है वो इसकी हेल्प से निकल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ अपनी कार के रियर सीट की तरफ, और यहाँ पर भी जो वैक्यूम क्लीनर है वो मैंने रखा हुआ है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो लॉन्ग वायर है वो अभी भी बची हुई है, जिससे कि साफ पता चलता है कि मैं रियर सीट्स भी इजीली क्लीन कर सकता हूँ, इवन जो फ्लोर मैट्स है वो भी इजीली मैं क्लीन कर सकता हूँ, वायर वगैरह का जो इश्यू है वो यहाँ पर नहीं रहने वाला है। सो चाहे फ्लोर मैट्स हो चाहे सीट्स हो वो मैं सब यहाँ पर इजीली क्लीन कर सकता हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को इसको बूट स्पेस तक भी लेकर जाकर दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो वायर्स है वो कितनी ज़्यादा लॉन्ग है। आपको जो बूट स्पेस वगैरह भी अगर क्लीन करना है तो वो भी आप इजीली क्लीन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। सो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सामने की तरफ प्लग इन किया हुआ है अडाप्टर, और ये पूरा जो रियर सीट है वहाँ से निकलता हुआ आ रही है वायर, और यहाँ पर बूट स्पेस की तरफ तक ये मैं वायर ले आया हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैक्यूम क्लीनर है वो यहाँ पर ईजिली पहुँच चुका है, और यहाँ पर भी मैं इजीली क्लीन कर सकता हूँ इसका सरफेस। सो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताता था कि इस वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको कोई इशू नहीं आने वाला, फ्रंट सीट हो रियर सीट हो बूट स्पेस हो सब कुछ आप इजीली क्लीन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। सो आप देख सकते हैं कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो इसने पूरा कवर अप कर लिए हैं, सक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा इसकी तेज़ है। सो भी जितनी ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट वगैरह थी वो सब कवर अप कर लिए, सारी इसने निकाल दी है। ये बाकी जो है निशान वगैरह हैं जो कि मुझे कोई भी वेट क्लॉथ लेके यहाँ पे साफ़ करने पड़ेंगे। सो गाइस अब पूरी डस्ट वगैरह निकालने के बाद जो मैंने आप लोगों को दिखाया, इसको खोल कर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको निकाला, ये जो मोटर को मैंने साइड में रख दिया, अब फिल्टर को मैं निकालूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टील फिल्टर मिलता है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी जो मिट्टी है वो अंदर की साइड नहीं जाती मोटर के अंदर, और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी जो मिट्टी है पतली पतली वो सारी इस वैक्यूम क्लीनर ने निकाल ली है। ये पूरी ही आपको जो मिट्टी मेरी कार के अंदर थी वो पूरा ही निकाल चुकी है, और इस स्टील फिल्टर की वजह से जो अंदर की साइड जो डस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आ पाई है, जिससे कि मोटर हार्म हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर की साइड से बिल्कुल क्लीन है। सो गाइस ये था अगारो का पावरफुल कार वैक्यूम क्लीनर मॉडल नंबर CV1077। आप लोगों को मैंने इसकी लाइव टेस्टिंग साथ ही क्या क्या आपको इसके बॉक्स कंटेंट के अंदर क्या इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इन डेप्थ बता दिया है। आप लोगों को ये वैक्यूम क्लीनर कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही आप इस वैक्यूम क्लीनर को बाय कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम अमेजोन, जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। बट उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वैक्यूम क्लीनर कैसा लगा, साथ ही वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिव्यू वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर बी सेफ एंड बाय बाय।